के साथ बहुत हृदय विदारक घटना घट गई कि जल भरने के क्रम में चार लड़के एक साथ एक ही परिवार के एक ही मतलब सभी पड़ोसी और एकदम यंग लड़का 18-19 साल का दुखद मृत्यु हो गई है। और नहाएंगे ये लोग बोला। अच्छा, फान गया पानी में। अच्छा, ये लोग सब पानी में फान गया। अच्छा, चार बच्चे जो है खेड़िया बाजार के कारागोला घाट में गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। कारागोला घाट गंगा स्नान करने गए चार युवक की मौत, दो की स्थिति नाजुक। आपको बता दें कि कोड़ा प्रखंड क्षेत्र के खेड़िया पंचायत के पहली सोमवारी पर गंगा जल भरकर जलाभिषेक करने गए हुए थे। जल भरने के पूर्व नाव के माध्यम से कारागोला घाट के गहरे अथाह पानी में अन्य साथियों के साथ चला गया। अथाह पानी में जाने के दौरान सभी ने अपना अपना मोबाइल से सेल्फी लेने लगा। वहीं सेल्फी लेने के दौरान अचानक पैर फिसल गया, जिसके कारण खेड़िया निवासी शिवम कुमार, मोहन कुमार, गोलू कुमार, पप्पू कुमार की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद अन्य साथियों ने डूबते हुए देख शोर मचाने लगा। वहीं इस घटना से डूबे हुए युवकों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में उन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चार युवकों को चिकित्सक के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दो युवक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अन्य मौजूद लोगों का कहना था कि खतरे से बाहर चिन्हित कर स्थानों पर बैरिकेटिंग की गई होती तो आज यह घटना, यह हादसा नहीं होता। वहीं प्रशासन ने जिस सीमा तक श्रद्धालुओं को नदी में नहाने की परमिशन दी थी, उस सीमा को पार करते हुए 500 मीटर अधिक पार कर नाव के सहारे सेल्फी लेने के लिए निकल गए थे। मरने वाला युवक का उम्र सभी का 15 से 22 साल तक बताया जा रहा है। वहीं चारों युवक का शव कोढ़ा के खेड़िया पहुंचते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। वहीं शव को देखने हेतु आसपास के इलाके का जमावड़ा मृतक के घर पर हुजूम बनकर उमड़ पड़ा है। घटना मंगलवार की सुबह 6:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं कोढ़ा प्रशासन की टीम ने मृतक के घर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। फिनो न्यूज बिहार के लिए कोढ़ा से सूरज कुमार की रिपोर्ट। ये जो चार बच्चे पानी में डूब के मरे, उनके साथ आप भी गए थे? घटना बताइए कैसे कैसे हुआ, यहाँ से कैसे गए थे? यहाँ से हमको नाव पर चढ़ाया। नहीं, यहाँ से टेम्पू से गए थे? यहाँ से टेम्पू से। अच्छा, जल लाके कहाँ चढ़ाना था? खेड़िया में। तो वहाँ कितना बजे पहुँचे, यहाँ से कितना बजे निकले? यहाँ से हम 5 बजे निकले। अच्छा, वहाँ 6 बजे पहुँचे। अच्छा, शाम में? सुबह में। हाँ। उसके बाद नहा रहे हैं। सब कोई नहाए? हाँ। अच्छा, लास्ट में निकले सब। अच्छे चल गया, 5 बजे चल गया इधर ऊपर जल भरने के लिए। हाँ। फिर कैसे हुआ? उस पर से बोला आरो नहाएंगे और नहाएंगे। हाँ। ये लोग बोला। हाँ। अच्छा, उससे फान गया पानी में। अच्छा, ये लोग सब पानी में फान गया। अच्छा, नाव पर से फंसा कि नीचे से फंस गए? नाव पर से कूदा कि नीचे से? नाव पर से। हाँ। उसके बाद बोला बचा। अच्छा, तो एक उसमें बच गया ना? हाँ। अच्छा, अचार ये हो गया। हम देने गए ना डिब्बा, तब एगो बचा। तो आप गए थे डिब्बा? हाँ, हम भी जा रहे थे। मेरा हाथ पकड़ा तो 5 फीट गोंदा, तब बचा। एक आदमी इसका हाथ पकड़ के खुद निकाला है? एक आदमी जो है हाथ पकड़ने के बाद खुद निकाला ये। अच्छा, अच्छा। इसका स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है। आप डब्बा देने के गए तो आपको लगा कि डूब रहा है, तो आपका हाथ पकड़ा। हाँ। हाथ पकड़ने के बाद आप खुद निकाले उनको। हाँ। के विषय में क्या क्या जानते हैं? सुबह हमें जानकारी मिली खेड़िया बाजार के कुछ लड़के कारागोला घाट गए थे पहली सोमवारी के शुभ अवसर पर जल चढ़ाने हेतु, गंगा स्नान करने के लिए। जानकारी मिली कि चार बच्चे जो है खेड़िया बाजार के कारागोला घाट में गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। कितने बच्चे की मौत हुई है? चार बच्चे की मौत हुई है। चारों बच्चे की उम्र क्या होगी लगभग? 15 साल के आसपास। कहीं ना कहीं सभी नाबालिग। कहीं ना कहीं सर इसमें सरकार की लापरवाही नजर आ रही है। एकदम लापरवाही है। अगर जैसा पता चला कि घाट पर बैरिकेडिंग वगैरह का व्यवस्था नहीं किया गया, ना ही कोई पुलिस प्रशासन वहाँ था। अगर बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती तो आज इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। ये घटना किस जगह की है? ये खेड़िया बाजार 1 नंबर वार्ड की। गए कहाँ थे बच्चे नहाने? कारागोला घाट। आपका परिचय? प्रदीप कुमार मंडल, पूर्व सरपंच भटवारा। सर, आज सुबह में कारागोला गंगा घाट पे काफी हृदय विदारक घटना हुआ, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको मीडिया के माध्यम से ही पता चला करीब 1.5 घंटा पहले कि हमारे खेड़िया के चार नवयुवक जो है
आज चूँकि सावन का सोमवारी का पहला दिन है जी, तो वो गंगा स्नान करने के लिए और जल उठाने के लिए गए हुए थे जी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके साथ बहुत हृदय विदारक घटना घट गई कि जल भरने के क्रम में चार लड़के एक साथ एक ही परिवार के एक ही मतलब सभी पड़ोसी और एकदम यंग लड़का 18-19 साल का दुखद मृत्यु हो गई है उनकी। कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, बैरिकेडिंग वगैरह। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। प्रशासन को ये जानकारी होना चाहिए कि अभी सावन का महीना है और कई कहीं बहुत दूर दूर से लोग वहाँ स्नान करने और जल भरने आते हैं। अगर प्रशासन वहाँ सजग रहती, बैरिकेडिंग होता, लाइफ गार्ड होता, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता तो शायद ये घटना नहीं घटती और वो चारों लड़का आज हम लोगों के भी जीवित रहता। हम प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि चाहे मनिहारी हो या काढ़ागोला घाट हो, वहाँ सख्त व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जाए, बैरिकेडिंग लगाया जाए, गोताखोर रखा जाए, लाइफ गार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में फिर इस तरह की घटना नहीं घटे। हम ये जिला प्रशासन से आपकी माध्यम से मांग करना चाहते हैं। आप अपना परिचय कहाँ के रहने वाले? मृतक सभी हमारे पड़ोसी ही हैं, खेरिया के रहने वाले हैं। हमारा भी घर तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बगल में ही है। आप अपना परिचय? मनोज कुमार ऋषिपुर, प्रमुख कोढ़ा, जिला उपाध्यक्ष, जदयू, कटिहार।